हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो एक न्यू हॉरर अमेजिंग गेम। ये काफ़ी अमेजिंग सा गेम है। इसमें कोई बेबी की हमें केयर करनी है। शैतान बेबी भी गेम है। इस गेम का नाम शैतान बेबी भी है और पूरा नाम इसका द येलो इन बेबी है। ये काफ़ी डरावना सा गेम है। इतना भी नहीं है, खमला ज़्यादा डरावना था मेरे अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है, अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और आप कौन से गेम की वीडियो देखना चाहते हो वो भी ज़रूर बताइएगा। अब फाइनली आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है अब यहाँ पर, और देखते हैं इसमें क्या था गेम में। और ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो न्यू वीडियो के। ओह माय गॉड, तो इस गेम का नेम है द बेबी इन येलो, जो कि आपको थंबनेल से पता चल चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस गेम को और देखते हैं क्या होने वाला है। ये इसमें नाइट वन है और मेरी फर्स्ट नाइट है इसमें गेम में। प्रेस कर हेयर टू स्टार्ट एंड आई स्टार्टेड दिस वीडियो। ओह वाओ, अमेजिंग सा घर भाई। ये हॉरर घर है, इसको मत अमेजिंग समझो। देखते हैं इस घर में क्या होने वाला है। बट कमला से काफ़ी सुंदर है, क्योंकि कमला गेम में तो लाइट ही नहीं थी। वो इंडियन गेम था ना, उसमें लाइट इशू होते रहते हैं, और ये इंडियन गेम नहीं है तो इसमें लाइट अच्छी ऐसी है। और शायद मुझे इस बच्चे को कुछ पकड़ के कुछ काम कराना है, क्योंकि मैं एज अ बेबी केयर आई हूँ। ओहो, ये तो मेरी साइड देख रहा है। अच्छा, तो इसके आंखों के कंचे मेरी तरफ घूम रहे हैं। हाँ, इसके कंचे मेरी तरफ घूम रहे हैं। कंटिन्यू मुझे देख, ठीक है। चल बेटा, तेरा नाम रख देती हूँ मैं गप्पू। गप्पू नाम नहीं रख सकती मैं इसका। गप्पू नाम तो मेरे भांजे का, और ये तो शैतान है काफ़ी। वो भी शैतान है वैसे तो, बट ये हॉरर है और इसमें बाद में बच्चे में कुछ भूत वगैरह भी आ जाते हैं, तो इसका नाम मैं गप्पू नहीं रख सकती हूँ, वरना मेरी बहन मुझे छोड़ेगी नहीं। तो इसका नाम रख देते हूँ मैं गब्बर। गब्बर, वो एक गब्बर के बच्चे। चल तो मुझे इसकी देखभाल करनी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ओके, और ये मेरे प्ले करने वाली वीडियो। यहाँ पर कॉर्नर पे मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है, मुझे इसमें क्या करना है। अरे मत दे ऐसे, इंस्ट्रक्शन तो पढ़ने दे मुझे। फीड द बेबी गेट द बोतल फ्रॉम फ्रीज। मुझे फ्रीज से कोई बोतल लेनी है और उसे पिलानी है। अहो, भूखा बैठा है। इसकी मम्मा मुझसे इसकी देख रेख करने के लिए कह के नहीं गई हैं, और ना मुझे कोई मैसेज छोड़ के गई हैं कहीं पर भी, फिर भी मैं इसकी देख रेख कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं इस फ्रिज को ओपन करके देखती हूँ। ओ, दूध की बोतल तो मुझे एक बार में मिल गई। चलो अच्छा है, मुझे ढूंढनी नहीं पड़ी है। और ये दूध ले जा कर जल्दी से मैं उसको पिला के सुला के फिर नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच जाऊँगी गेम के। ओके, तो पी भाई पी। चल पी से। ओ, गब्बर तो खुद से हो गया। ये क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है ये। टेक द बेबी टू चेंजिंग टेबल। ओए, क्या करने लग रहा है तो। ओ छी, लगता है इसने पोटी कर ली। छी, गंदे बच्चे। चल इधर। बट ये पिक क्यों नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। ओके, इससे जूम होता है तो मुझे, अरे ये क्यों छूट जाता है, पिक हो जाना। चल भाई, मुझे तेरी केयर करनी है तो मैं तुझे आराम से सफाई से ध्यान से बिना कहीं ठोके ठाके लेके जाती हूँ। चल यहाँ बैठ जा, ये रही तेरी नैपकिन, बैठ यहाँ। अरे 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 अरे, मुझसे तो बेबी गिर गया। ओ माई गॉड, आ गया आ गया, ठीक है। चल भाई, तू ठीक है, चल यहाँ बैठ जा। अरे यहाँ भी नहीं बैठेगा, चल इस पर बैठ जा। ओ ये ओपन हो रही है, चल कोई नहीं, इस पे बैठ जा तू। ओ ये, अरे यार मुझे बैठाना था इसको, ये तो पहले गिर गया। क्या है, क्या तू रोतू बच्चा है क्या। हाँ, गप्पू तो बट रोतू बच्चा नहीं है, गब्बर रोतू बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ बैठ जा शांति से, गब्बर के बच्चे। और मैं इसके लिए ये वाली नैपकिन ठाक लेके जानी होगी, और देखते हैं मैं इसे पहना। ओहो, इसकी नैपकिन भी ड्रामेबाज लग रही है मुझे। ओ बच्चा, बच्चा कहाँ गया, ये बेबी कहाँ गया। ओए गब्बर, तुझे कहाँ गया, तुझे तो चलना भी नहीं आ रहा था अभी, तू क्या तुरंत बड़ा हो गया इसमें। यहाँ कहाँ बैठा है, पूरे घर में गंदगी फैलाएगा क्या। चल इसे पहन ले। ओहो, ये तो खुश भी हो गया। ओहो, तुझे तो बहुत खुशी। पुट बेबी टू बेड, टेक बेबी टू बेड। अच्छा, इसे मुझे बेड पर छोड़ के आना है, और मैंने इसे उठा लिया और लेके जाती हूँ बेड पे। बेबी कहाँ रह गया, अबे आजा, उठ गया भाई, चलना पर क्या दिक्कत आ रही है। ओ
सोता भी है तू? कौन सा कमरा है तेरा? ये तो लॉक्ड है, ये ओपन है, इसमें चल, इसमें घुस जा। ओ ये भी लगता है मैं इसकी केयर तो पता नहीं कैसी कर पाऊंगी। ओ यहाँ तो बेड ही नहीं है, बेड कहाँ है भाई? तेरा बेडरूम किधर है? ये मुझे बिल्कुल घर जो है थोड़ा थोड़ा सा ओ नोबिता के घर की तरह लग रहा है। काफी सुंदर घर है भाई तुम्हारा तो। बेबी चल इधर बैठ जा। तो ये लेट रहा है, मैंने बैठने के लिए कहा था। चल तो बेड पे बैठ जा, तेरी इंस्ट्रक्शन ही बेड के लिए। पुट बेबी टू बेड, बैठा तो दिया बेड पे। ओके फाइन, फाइंड द स्टोरी बुक एंड सिट डाउन। मुझे कहाँ बैठना है? सिट डाउन करना है मुझे स्टोरी बुक ढूंढ के। वाह काफ़ी इंटरेस्टिंग अलमारी है इसकी तो, काफ़ी सुंदर सी। और मुझे स्टोरी द अंडरवर्ल्ड और इतनी सारी बुक्स भी है ये रही। और मुझे यहाँ पर बैठना है तो बैठ गए। चलो फाइनली अब मैं से प्ले करके देखती हूँ क्या होने वाला है इसमें। ये मुझे सिर्फ सुनानी है? नहीं, इसमें खुद सुना रहे हैं तो मुझे ये सुनानी नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा हुआ। टैप 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 टॉप टैप टैप। ये रो रहा है बच्चा? ये मेरे लैपटॉप का फुल साउंड है। ओके भाई कितना पढ़ेंगे? अरे चलो बहुत बोर कर दिया तुमने मुझे इस गेम से, देखती हूँ कहाँ। ओ बच्चा तो सो गया। ओके लीव एंड क्लोज द डोर। अच्छा तो मुझे इसे छोड़ के जाना है, इसे बंद करके इस कमरे में। और चलो तो छोड़ दो, गब्बर सोता रहे हो। और हम चले यहाँ से, गाते गाते गुनगुनाते। हमें करना क्या है? टीवी देखना है मुझे। अच्छा तो मैं टीवी देखती हूँ। ओके यहाँ बैठ गए। ओ वाह कितना अमेजिंग सा एपिसोड है, वाह इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सो नाइस। मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। और ये क्या सेटल बेबी? ओह मतलब मेरी नींद खराब कर दी इस बच्चे ने। छोड़ूंगी नहीं मैं, कहाँ है इसके कमरे में फेंक के आई थी बेटे। गब्बर के बच्चे तूने मेरी नींद खराब कर दी, क्यों रो रहा है? यहाँ तो ये रो ही नहीं रहा है। पुट द बेबी अगेन बेड पे। बेड पे तो है ही नहीं बट वो, मुझे उसे फिर से ले जाके बेड पे। ये रहा, तुझे तो चलना नहीं आता, फिर तो भाग कैसे जाता है बार बार? चल उस पे वरना इतने थप्पड़ मारूंगी ना तेरे बहुत। चल चल चल, दीवार में घुस गया ये ज़्यादा। इधर चल, इसे इसके बेड पे फेंक देती हूँ फिर से। दीवार में कहाँ घुसता रहता है इतना पिट पिट के? लगता है तो भी पक्का हो रखा है पिट पिटा के। चल तो भाई गब्बर अपनी जगह पे लेट चुका है। पुट द करेक्ट पुल्स इन द कोर्ट। मुझे कुछ ये पुल्स टाइप की चीज़ उठा के इसके बेड में फेंकनी है शायद। ये तो पुल्स 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 नहीं है, कहाँ है भाई? ओ ये रहा पिक द रैबिट, पिक द कैट। ये तो सभी, अच्छा इन तीनों में से मुझे कुछ एक उठा के शायद इसे देना होगा। ये मूव क्यों हो रहा है? उठ क्यों नहीं रहा? ये क्या हो रहा है? अरे भाई मुझे इसे उठाना था, मुझे थोड़ा पीछे होना पड़ेगा फिर थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। और अब मैंने इसे उठाया और इसे, ओ ये फेस घुमा के क्यों बैठा है इस तरह? अरे यार पहले मुझे इसे उठाना होगा पीछे हो, अब थोड़ा आगे जाओ। और इसे उठा लिया और अब इसके इसे पास में फेंक दो। क्या दिक्कत है? यानी कि ये करेक्ट वो नहीं है, इसका ये वाला डिवाइस नहीं चाहिए, तो डिवाइस तो नहीं है ये। खैर ओ ये उठने में भी दिक्कत कर रहे हैं, हिल हिल के उठ रहे हैं। चल कैटी ले जाती हूँ, नहीं उठ रहा तो मत उठ मत उठ मत उठ, पटक जा जल्दी से। ओ उठ गया उठ गया उठ गया। आपे ओहो तो सीधा सीधा नहीं बता सकता था क्या तुझे कैट चाहिए, क्योंकि अब तो यही बचा है। ये उठ नहीं रही, ये हिला हिला के उठानी पड़ेगी लग रहा है। ओके उठ
जा गिर जा, उठ जा गिर जा, कुछ तो हो जा तेरा। कैटी उठ जा कैटी, जल्दी से, क्या दिक्कत आ रही है? ओ मुझे लगता है इसके पास जाके मुझे इसे मूव करना चाहिए। हाँ शायद थोड़ी थोड़ी हो रही है, ये एक बार में उठ नहीं रही है इसलिए मुझे इसे गिराना पड़ रहा है, हल्का हल्का सा उठाना पड़ रहा है। ओहो उठ जाना। अच्छा शायद मैं नीचे हूँ और ये मुझसे काफ़ी ऊपर रखी हुई है, तो जैसे सामान उठाते हैं धीरे धीरे करके ये वैसे उठानी पड़ रही है मुझे। अरे ये गिर भी गई तो कौन सा इसका चोट लगेगी, खिलौना ही तो है ये, उठा लो ना, उठाने का मौका भी तो नहीं मिल रहा। इसके बिना गेम ओवर नहीं होगा। ठीक है तो मुझे इस कैटी को उठाना पड़ेगा। क्या हो रहा है, ये मूव भी नहीं हो रही है। किसी भी तरीके से कुछ मूव भी नहीं हो रही है ये। उठ गई उठ गई उठ गई। अच्छा तो ये कंट्रोल से उठ रही है। ठीक है यहाँ पर गिर जा। अरे थोड़ा और अंदर, अरे थोड़ा और अंदर गिर जा भाई। ले ऊपर उठ 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 और यहाँ पे पुश। ओ खुश हो गया। ओहो कितना गिर उठ रहा बेबी। ओ गुली गुली गिर, खुश हो गया। फाइनली लीव एंड क्लोज द डोर। चल तो बाय भाई, सो जा अब तो, सो जा बच्चे। गब्बर गब्बर सो जाएगा और मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं तो रूम के अंदर ही रह गई शायद, मुझे तो पहले बाहर जाना है। ये सब मुझे इतना ऊपर नीचे क्यों दिख रहा है? ओके पहले मुझे बाहर निकलना चाहिए और अब ये डोर भी क्लोज करूँ, कर देती हूँ। चिल आउट वॉच एंड टीवी। अच्छा मुझे चिल आउट करना है नाउ, नाउ चिल आउट करते हैं। वॉच टीवी ऑन द सोफ़ा। अच्छा मुझे सोफे पे जाके अब टीवी देखना है। ओके चलो तो चलो, ये बहुत मंदे मंदे चल रहा है। मतलब जिसे मैं गाइड कर रही हूँ यहाँ पर, ये बहुत स्लो चल रहा है। अब तक तो जाके बैठ जाना चाहिए था, ऐसे चल रहा है। फाइनली मुझे, मैं टीवी देखूँगी, बल्ले 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 बल्ले, बचपन में करते थे बल्ले बल्ले, टीवी देखेंगे। तो फाइनली मैं सोफे पे बैठ गई। ओ वाओ इट्स अमेजिंग, मुझे फिर से नींद आ रही है। इतना बोरिंग सो चलाएंगे तो भाई नींद ही आएगी, और मैं यहाँ पर फिर से सो गई। ओके नाइट टू, नाइट फर्स्ट मतलब इसमें ख़त्म हो चुकी है। इसमें काफ़ी सारी मे बी नाइट्स हैं अलग अलग, और ये फर्स्ट चैप्टर कुछ समथिंग क्लोज हो चुका है। ठीक है तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखने, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी देखने के लिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, बाय बाय।